हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएम हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लो ड्राई के बारे में, इंटर्न ब्लो ड्राई। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ब्लो ड्राई की, वो थी स्टेट ब्लो ड्राई। तो पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा आपको, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले हम करते हैं थ्योरी स्टार्ट। तो थ्योरी में जैसे कि इंटर्न ब्लो ड्राई, नाम से समझ में आता है कि कुछ चीज़ इंटर्न होगी, बाल अंदर को टर्न होने चाहिए, यानी कि इंटर्न। तो इंटर्न ब्लो ड्राई, पहले मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। कुछ इस तरह से बालों का जो शेप है फ्रंट से, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये फ्रंट में इंटर्न यानी कि अंदर की तरफ को बाल लाएंगे। इसमें जो सेक्शन रहने वाले हैं, प्राइमरी सेक्शन रहने वाले हैं, दोनों प्राइमरी सेक्शन निकलेंगे, रेडियल भी, सेंटर प्रोफाइल और रेडियल दोनों, लेकिन दोनों हाफ सेक्शन निकलेंगे, पूरे नहीं निकलेंगे। रेडियल भी हाफ रहेगा और सेंटर प्रोफाइल भी हाफ रहेगा। सब सेक्शन इसमें वर्टिकल भी रहेंगे, हॉरिजॉन्टल भी, आप दोनों सेक्शन पे कर सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी कि हॉरिजॉन्टल पे कैसे करेंगे और वर्टिकल पे कैसे करेंगे। इसमें सेकेंडरी सेक्शन भी हम यूज़ करेंगे। इससे पहले जो हमारी ब्लो ड्राई थी स्टेट ब्लो ड्राई, उसमें हमने बॉक्स सेक्शन यूज़ नहीं किया था, इसमें हम बॉक्स सेक्शन का भी यूज़ करेंगे। ब्रश इसमें कौन कौन से ब्रश से आप कर सकते हैं, बिग राउंड ब्रश से आप कर सकते हैं, मीडियम राउंड ब्रश से आप कर सकते हैं, दोनों ब्रश यूज कर सकते हैं। दोनों ब्रश का अपना अपना काम है। बिग राउंड ब्रश से वॉल्यूम ज़्यादा आता है, बड़ी लेंथ के लिए होते हैं, थोड़ी लेंथ कम है और आपको वॉल्यूम कम चाहिए, टर्न आपको नेचुरल टर्न चाहिए, तो आप फिर बिग राउंड ब्रश चाहिए चाहिए। अगर आपको मीडियम राउंड ब्रश से करेंगे तो इसमें टर्न, छोटे टर्न आएंगे और छोटे बालों के लिए होता है ये। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे कौन से ब्रश से करते हैं। तो आइए करते हैं हम प्रैक्टिकल स्टार्ट। तो ये हमारी मॉडल है, हमने सेक्शनिंग कर ली है, मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूं। तो पहले हमने सेंटर में बनाया है बॉक्स, जो हमारे टॉप का पार्ट है, इसको हमने बॉक्स सेक्शन निकाला है। और साइड से ये रेडियल सेक्शन है ईयर टू ईयर, और इधर से भी ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर जो सेक्शन है वो हाफ सेक्शन है, क्योंकि बीच में बॉक्स सेक्शन आ गया है। वैसे ही हमने लास्ट में जो है सेंटर प्रोफाइल है, वो भी हमारे क्राउन एरिया से नीचे निकाला है बैक साइड में। इसको क्यों, ये भी आधा क्यों है, क्योंकि सामने बॉक्स सेक्शन है टॉप पे। तो ये भी हाफ है सेंटर प्रोफाइल और रेडियल भी हाफ है। तो हमारे टोटल इसमें 5 बेसिक सेक्शन निकले हैं, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये बैक साइड से 2 सेक्शन है और टॉप पे बॉक्स सेक्शन है। तो ये तो थी सेक्शनिंग, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। तो ये दोनों ब्रश हैं, बिग राउंड ब्रश और मीडियम राउंड ब्रश। तो पहले मैं मीडियम राउंड ब्रश से करता हूँ, क्योंकि ये डम्मी है, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है और मैं इंटर्न ज़्यादातर मीडियम राउंड ब्रश से ही करता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, बैक से एक सेक्शन को ओपन कर लेंगे। देखिए, आप बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रंट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है, आपको किससे करना। मैं फ्रंट साइड से भी करता हूं, बैक से भी करता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको बैक साइड से करके दिखा रहा हूं। हमने बैक साइड से ओपन किया और हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे काम करेंगे, ना कि वर्टिकल पे। हमने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, बाकी वालों को ऊपर टक कर दिया। पहले हमारा वही सेम प्रोसेस, रूट से पूरे बालों को सूखा होना चाहिए तीनों साइड से, फिर हम लेंथ में जाएंगे।
देखिए आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप इसको क्लाइंट के फेस के सामने भी ले जा सकते हैं हेयर को, और यहाँ पे लाके आप टर्न कर सकते हैं इसे। पहले आपको हीट से ब्लो ड्राई करनी है, फिर जो ये टेम्परेरी कोल्ड बटन है इसको दबा के रखेंगे हम। और बालों को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने से क्या होगा, जो लास्टिंग है ब्लो ड्राई की वो ज़्यादा हो जाएगी। ये सिंथेटिक हेयर है, इस पर इतना विजिबिलिटी नहीं आएगी, इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। और ये रियल हेयर होंगे तो फिर ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी। अब मैं इस वाले सेक्शन पे दूसरे वे में आपको करके दिखाता हूँ। पहले जो हमने जिस वे में किया था वो फ्रंट में खड़े होके था, बैक सेक्शन को फ्रंट में ले जाके करते हैं। अब मैं बैक वाले सेक्शन को बैक में ले जाके ही बैक में ही इंटर्न करूँगा। मैं ब्रश को साइड में रखूँगा सेक्शन के। पहले हम क्या कर रहे थे, ब्रश को हेयर के नीचे रख रहे थे, बाल ऊपर थे और ये इंटर्न हो रहा था। लेकिन जब हमें बालों को आगे फेस पे शो करना होता है बालों को इंटर्न, तो हम क्या करते हैं, ब्रश साइड में रखते हैं हेयर के ऊपर, नहीं साइड में, उस साइड फेस की साइड, फेस की साइड हम ब्रश को रखेंगे और ड्रायर को करेंगे। तो ये देखिए ये भी टर्न हो गया है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप पूरे बालों को आगे लेके भी कर सकते हैं और पीछे से भी कर सकते हैं। ये तो था अगर हमें इंटर्न फ्रंट में शो करना है। जब हमें इंटर्न बैक में शो करना होता है तो हम सिर्फ पीछे खड़े होके पीछे ही टर्न करते हैं, ना कि पीछे के बालों को आगे ट्रेवल करते हैं। एक साइड का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी साइड इस सेक्शन को भी ओपन कर लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेंगे। अब बाकी पूरा ब्लो ड्राई मैं सिंपल टेक्निक्स में आपको करके दिखा रहा हूँ। इस वाले सेक्शन में मैंने आपको तीनों वे दिखाए हैं, इसमें सिर्फ मैं पीछे खड़े होके और सिंपल वे में जो हम करते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ।
बैक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड का जो सेक्शन है इसको ओपन कर लेंगे। आप चाहे तो पूरा सेक्शन एक बार में कर सकते हैं या आप यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन ले सकते हैं। जो साइड्स के बाल हैं उनको नीचे ला के टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे ला के टर्न करेंगे तो फ्रंट में इतनी लेयर शो नहीं होती, क्योंकि जब हमारी कटिंग हुई हुई होती है तो वो फॉरवर्ड कटिंग हुई होती है, फेस फ्रेमिंग हुई जो हमारी हमने कटिंग की होती है हेयर की वो फेस फ्रेमिंग की होती है। तो हमारे जो चार सेक्शन थे लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक के दोनों, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब टॉप का सेक्शन बना है इसको ओपन कर लेंगे, और इसके लिए हमेशा बिग राउंड ब्रश यूज करेंगे, क्योंकि हमें टॉप पे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम बिग राउंड ब्रश यूज करेंगे। तो बॉक्स सेक्शन को हम ओपन कर लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे टू पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में हम करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन हो जाता है। आप टू पार्ट में या थ्री पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हमेशा इन टर्न करेंगे, यानी कि ब्रश हमेशा नीचे रहेगा और ऊपर ड्रायर रहेगा। देखिए ये तो डमी है, इसका फ्रंट से कोई भी कट नहीं हो रखा, कोई भी कट नहीं किया हमने। अगर हम इसमें फ्रेंसेस कट करते हैं या वन साइड के लिए फ्रेंस बैंग्स कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये बाल छोटे होते हैं उसको हम साइड से करते हैं या सेंटर से करते हैं। तो ये लॉन्ग हेयर है, मैं सिर्फ आपको, ये एजुकेटेड वीडियो है, इस वजह से आपको इस पर करके दिखा रहा हूँ। तो ये थी इंटर्न वीडियो। ये अगर ओरिजिनल हेयर होते तो ये सब टर्न हो गए होते, ये ओरिजिनल हेयर नहीं है, सिंथेटिक हेयर है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देखिए ये सिंथेटिक हेयर थे, इसमें इसलिए इतनी विजिबिलिटी नहीं आई इंटर्न की। अगर आप रियल ह्यूमन हेयर पे हेयर ड्राई करेंगे इंटर्न, तो सेम रिजल्ट आएगा जो हम इंटर्न फोटोज या वीडियो में देखते हैं। टेक्निक यही रहती है, सिर्फ मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ डमी के ऊपर, क्योंकि डमी के जो हेयर है वो 100% ह्यूमन हेयर नहीं है, इसमें लगभग 80-90% सिंथेटिक हेयर है, इसमें 5-10% ही ह्यूमन हेयर है। तो 5-10% ह्यूमन हेयर की
वजह से 90% 80-90% सिंथेटिक हेयर की वजह से ये जो ड्रायर है इस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई है, लेकिन टेक्निक यही रहने वाली है। आप रियल हेयर पे अगर सेम टेक्निक से ब्लो ड्राई करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।